माइकल जैक्सन एक ऐसा नाम जिन्होंने सिंगिंग और डांसिंग में अपनी एक गहरी छाप छोड़ दी। माइकल जैक्सन अमेरिका के सिंगर, सॉन्ग राइटर व डांसर भी थे। आज की वीडियो में माइकल जैक्सन के जीवन से जुड़ी 10 ऐसी बातों के बारे में जानेंगे जो पहले आपको नहीं पता होगी। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। नंबर 10, माइकल जैक्सन। 10 भाई बहन थे और माइकल जैक्सन अपने माता पिता के 8वीं संतान थे। नंबर 9, माइकल जैक्सन का पूरा परिवार म्यूजिक से जुड़ा हुआ था। माइकल जैक्सन की माता का नाम कैथरीन एस्थर जैक्सन था और वो पियानो बजाती थी। माइकल जैक्सन के पिता जोसेफ वॉल्टर जैक्सन गिटार बजाते थे। माइकल जैक्सन के 9 प्रोफेशनल भाई बहन में से 6 प्रोफेशनल सिंगर थे। नंबर 8, जैक्सन और उसके 4 भाई ने मिलकर अपना खुद का बैंड बनाया था। बैंड का नाम जैक्सन 5 था। नंबर 7, माइकल जैक्सन ने ही रोबोट डांस का इजाद किया। माइकल जैक्सन ने पहली बार रोबोट डांस एक टीवी शो पे किया था। टीवी शो का नाम सोल ट्रेन था। उनके पहले रोबोट डांसिंग परफॉर्मेंस का नाम डांसिंग मशीन था। नंबर 6, 1979 में डांस करते समय जैक्सन जमीन पर गिर गए थे जिससे उनकी नाक टूट गई, जिसके बाद उनके नाक की राइनोप्लास्टिक सर्जरी की गई, लेकिन सर्जरी कामयाब नहीं हुआ और जैक्सन को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, इसलिए नाक की दोबारा राइनोप्लास्टिक सर्जरी की गई। नंबर 5, माइकल जैक्सन मीडिया को अपने बारे में अफवाह फैलाने से नहीं रोकते थे, क्योंकि उनका मानना था कि मीडिया से मुंह नहीं लगाना चाहिए। उनके बारे में यह अफवाह थी कि वह जवान दिखने के लिए ऑक्सीजन टेंट हाउस में सोते हैं। नंबर 4, 1979 में जैक्सन की एल्बम बिक्री, विज्ञापन और संगीत से होने वाली वार्षिक कमाई का अनुमान $125 मिलियन यानी 888 करोड़ लगाई गई। नंबर 3, जैक्सन पूरे समय के सर्वाधिक बिकने वाले संगीत कलाकारों में से एक हैं, जिसका विश्व भर में 350 मिलियन से अधिक रिकॉर्ड की अनुमानित बिक्री हुई। उनकी एल्बम थ्रिल पूरे समय की सबसे ज़्यादा बिकने वाली रिकॉर्ड है, जिसकी पूरी दुनिया में 66 मिलियन कॉपी बेची जा चुकी है। नंबर 2, जैक्सन का पेट एनिमल एक चिपेंजी था। जैक्सन ने उसका नाम बबल रखा था। नंबर 1, जैक्सन के मरने के बाद 2009 में माइकल जैक्सन को 4 अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड दिए गए। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना समय देने के लिए धन्यवाद।